अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ेंगे स्टाई का दूसरा टाइप, दैट इज हॉडोलियम इंटरनम। अब ये हॉडोलियम इंटरनम क्या होता है? ये भी सुपरेटो इन्फ्लेमेशन है। मैंने कहा सुपरेटो मीन्स जहां पे प्रोडक्शन ऑफ पस भी हो, तो ये भी सुपरेटो इन्फ्लेमेशन है, मगर किसका? ऑफ मिबोमियम ग्लैंड। ये मिबोमियम ग्लैंड जो है, इसका फंक्शन होता है टू मेक ऑयल, दैट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आईज टीयर्स। आंखों में जो आंसू होते हैं उनका जो ल्यूब्रिकेटिंग फैक्टर ऑयल होता है वो मिबोमियम ग्लैंड ही देता है। अदरवाइज यू आप देखें, अगर हमारी आंखें खुली, ब्लिंक खुल जाती हैं, अब जिस टाइम वो बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो एयर कंटैक्ट तो होता ही है हमारे आईज के साथ, वो टीयर्स तो सूख सकते हैं, ठीक है। अब उनको ल्यूब्रिकेशन कौन देता है? यही ऑयल। वो ऑयल कहाँ से आ जाता है? फ्रॉम सिबोमियम ग्लैंड। अब अगर इन्हीं सिबोमियम ग्लैंड का सुपरेटो इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हॉडोलियम इंटरनम, ठीक है। और जो यही हॉडोलियम इंटरनम है, इट मे बी ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है कैलेजियन या बिलिफेराइट सी बोलो, कोई और कंडीशन थी, उस वजह से नेक्स्ट हॉडोलियम इंटरनम भी हो सकता है। और यही हॉडोलियम इंटरनम जो है, इट इज लेस कॉमन एज कंपेयर टू एक्सटर्नम, ठीक है। लेस कॉमन है, मगर अगर ये किसी बंदे में हो जाए, इसके सिम्टम्स मोर वायलेंट है देन हॉडोलियम एक्सटर्नम। क्यों? क्योंकि जो ये ग्लैंड है, इट्स लार्जर, प्लस मैंने कहा हॉडोलियम इंटरनम जो है आईलिड्स के बीनीथ हो जाता है, मींस कि जो ये ग्लैंड है ये एम्बेडेड होगा इन डेंस फाइब्रस टिश्यू। अब जो यहां पे पस बन जाता है वो कैसे दिखता है? द पस अपीयर्स एज येलो स्पॉट, ठीक है। कैसे हम देखें? जो आईलिड है बीनीथ तो है, अगर हम इसको एक्सवर्ट करें, ठीक है, अगर हम इसको ऊपर की ओर उल्टाएं, ठीक, तो हम देखते हैं एक शाइनी डॉट या शाइनी स्पॉट लाइक दिखता है, कंजक्टिवा पे, और उसको हम बोलते हैं हॉडोलियम इंटरनम। अब अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स को देखें, इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं रेड और वाइट लंप अलोंग बेस ऑफ आईलैश, एक बम्पी स्ट्रक्चर, एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बीनीथ द आईलेट कंजक्टिवा पे, ठीक है। वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओजिंग ऑफ फ्लूड, इचीनेस, टेयरिंग और वाटरी आईज, टेयरी और वाटरी आईज, ब्लर्ड विजन भी, धुंधला दिखाई देता है, क्रस्टिंग, यू नो व्हाट इज क्रस्टिंग, ठीक है। अब अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करें, चाहे वो हॉडोलियम इंटरनम है, चाहे वो हॉडोलियम एक्सटर्नम है, इन बोथ द केसेस डायग्नोसिस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आप किसी ऑप्थो के पास जाते, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाते या डॉक्टर के पास जाते, वो आपके आईलिड्स को बाय हिज ओन आइज देखता है कि हाँ, इस पे कोई पिंपल लाइक स्ट्रक्चर है, चाहे वो आईलिड के ऊपर है या एक्सवर्ट कर दिया या इवर्ट कर दिया,
आईलिड को, ठीक है, उसके नीचे कोई स्पॉट प्रेजेंट है तो उससे पता चलती है हाँ इसमें हॉडोलियम है। अब हॉडोलियम इंटरनम या हॉडोलियम एक्सटर्नम में मैंने कहा कैसे डायग्नोज होता है, बट इफ हॉडोलियम इंटरनम इज प्रेजेंट यहाँ पे हम स्वैब टेस्ट भी करते हैं, स्वैब टेस्ट। ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक कॉटन स्वैब लिया जाता है, वॉशअप करते हैं, ठीक है, आईलिड को बीनीथ द आईलिड, फिर उसी स्वैब को फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए, फॉर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। हम टाइप ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं कौन सा है, क्लियर? नाउ ट्रीटमेंट, देखा गया जो हॉडोलियम इंटरनम का ट्रीटमेंट है वो सेम एज हॉडोलियम एक्सटर्नम ही है, और कुछ बाकी ट्रीटमेंट्स में भी दिया जाता है यहाँ पे। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, हम बताएंगे बंदे को टू कीप हिज आईज क्लीन विद स्टराइल सैलाइन। स्टराइल सैलाइन से क्या होगा, क्रस्ट्स जो बन गए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, टू रिमूव क्रस्टिंग एंड, और जो फ्लूड प्रेजेंट होगा, जो मैंने ऊजिंग बताया साइंस एंड सिम्टम्स में, ऊज्ड आउट फ्लूड जो होगा आंखों में, उसको अब रिमूवल भी हम कर सकते हैं बाय वॉशिंग विद स्टराइल सैलाइन। नेक्स्ट, हम जेंटल मसाज करते हैं ऑफ आईलेट्स, उससे क्या होगा, टू ईज द पेन प्लस टू ईज स्वेलिंग। नेक्स्ट, अवॉइड रिपीटेडली टचिंग आईज। नेक्स्ट, अवॉइड पॉपिंग और स्क्यूजिंग इंटरनल स्टाई, फोड़ना, ठीक है, उस वो जो स्ट्रक्चर्स बन गए होंगे, स्टॉप्स बन गए होंगे बीनीथ द आईलेट्स, उनको स्क्यूज नहीं करना है, पॉप नहीं करना है, उस वजह से अगर बंदे ने उनको पॉप कर या स्क्यूज किया तो उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो वर्सन हो जाएगा और उससे वो स्प्रेड भी हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दिस वी विल एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड पॉपिंग एंड स्क्वीजिंग द इंटरनल स्टाइज। नेक्स्ट इज वेयरिंग कंटैक्ट लेंसेज। अब अगर हम शॉर्ट कोर्स की बात करें, ड्रग्स जो यहां पे इस्तेमाल होते हैं हॉडोलियम इंटरनम में, तो ऑप्थमोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिकेशंस फॉर शॉर्ट कोर्स, उसमें आ जाते हैं ऑरल एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट्स, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, स्टीरॉइड आई ड्रॉप्स, ठीक है, और भी कुछ दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल डिक्लोजेसिलिन टेबलेट्स, नियोमाइसिन या स्पोरोमाइसिन, जैसे आपको पता है, नियोमाइसिन ऑइंटमेंट्स एंड ग्रामिसिडिन कंटेनिंग आई ड्रॉप्स। दिस वॉज ट्रीटमेंट। अब अगर हॉडोलियम इंटरनम को हमने ट्रीट नहीं कर पाए, ठीक है, उसके बाद अगर ये सीवियर केसेस में चला गया तो
जो डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट रिकमेंड किया जाता है वो क्या करते हैं, वो ड्रेन करते हैं इसी इंटरनल स्टाई को। तो इस इंटरनल स्टाई को ड्रेन करने के लिए एक प्रोसीजर यूज किया जाता है, उस प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बाय वॉशिंग द एरिया। हम वॉश करते हैं पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर आई को विद सैलाइन वाटर। उसके बाद थोड़ा सा रब करते हैं, बाय रबिंग द एरिया। उसके बाद यूज किया जाता है स्टराइल नीडल, और उस नीडल से छोटा सा कट, स्मॉल कट इज मेड, या स्मॉल हम प्रिक देते हैं या कट देते हैं उस पर्टिकुलर स्पॉट को और रिमूव करते हैं फ्लूड को। जो पस या फ्लूड जमा हो गया होता है उस स्पॉट में हम वो रिमूव करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टाई। थैंक यू।